तो इस घटना के बाद देश का मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। उधर सरकार भी ये दावा कर रही है कि उसका एक फैसला, एकमत से लिया गया लॉकडाउन देश का मनोबल बढ़ा रहा है और कोरोना को हम हराएंगे। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी है। सोनिया गांधी ने लॉकडाउन और प्रवासियों के पलायन को लेकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। लॉकडाउन 3 के खत्म होने का समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही लॉकडाउन के फैसले को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, तो वहीं सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के फैसले को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने प्रवासियों के पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल घर वापस जाने को मजबूर हो गए। सोनिया गांधी ने सरकार पर पलायन कर रहे प्रवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी पर शायद सरकार ने नहीं सुनी। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी पर शायद सरकार ने नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लॉकडाउन के फैसले को बिना सोच समझ के और बिना पूर्व तैयारी के लिया गया फैसला बताया। उन्होंने बंद हुए कारखानों, बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार के गलत फैसले और नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसानों को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी। ये पीड़ा पूरे देश ने झेली और शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने सरकार पर विपक्ष और विशेषज्ञों के सुझावों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को ये कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार के द्वारा सबकी मदद करनी चाहिए। न जाने क्यों कि सरकार ये बात समझने और लागू करने में लगातार इनकार करती रही। मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि यह वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। सोनिया गांधी ने सरकार से प्रभावितों की मदद करने का सुझाव दिया। इसके लिए सोनिया गांधी ने सरकार से प्रभावित परिवार को सीधे आर्थिक मदद देने की मांग की और सरकार को हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति महीने सीधे कैश के रूप में देने की मांग की। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रति माह सीधे कैश के रूप में देने की मांग उठी। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम कराने की मांग भी की। उन्होंने मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए मनरेगा में 200 दिन सुनिश्चित करने, काम की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया।
उन्होंने राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए सरकार से छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की जगह आर्थिक मदद देने का सुझाव दिया। खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दे। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। पहले राहुल गांधी, अब सोनिया गांधी ने जिस तरह से लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए हैं उससे साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने की कोशिश कर रही है, पर उसकी ये कोशिश कहां तक सफल होती है ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करेगा। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।